साल 2018 में फेसबुक पर कई बड़े आरोप लगे। फेसबुक पर अपने यूजर्स का डेटा बेचने के आरोप लगे। इस मामले में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को अमरीकी सीनेट के सामने सवाल जवाब के लिए भी हाजिर होना पड़ा। फेसबुक ने भी अपनी गलतियां मानी और इन्हें दोबारा ना दोहराने के वायदे भी किए। हालांकि तमाम वायदों के बीच लोगों के मन में फेसबुक को लेकर शक तो घर कर ही गया था। फेसबुक पर ताज़ा खुलासा ये हुआ है कि कुछ साल पहले फेसबुक ने अपने यूजर्स का डेटा बेचने की योजना बनाई थी। एक वेबसाइट arstechnica.com के अनुसार फेसबुक कर्मियों ने साल 2012 में यूजर डेटा को कंपनियों को देने के लिए $2.5 लाख की कीमत तय की थी। हालांकि फेसबुक ने इन खबरों का खंडन किया है। यानी 2019 फेसबुक के लिए मुसीबत लेकर आया है। माना ये भी जा रहा है कि साल 2019 में डेटा चोरी के मामलों को लेकर फेसबुक पर कड़े जुर्माने लगाए जा सकते हैं। आयरलैंड की डेटा प्रोटेक्शन कमेटी ने दिसंबर में घोषणा की थी कि वो फेसबुक के खिलाफ जांच शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा कई देशों ने माना है कि फेसबुक पर उनके नागरिकों का निजी डेटा सुरक्षित नहीं है। फेसबुक के लिए इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। फेसबुक के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होने वाली। आयरलैंड में जांच के अलावा अमेरिका की फेडरल ट्रेड समिति यानी FCT भी साल 2011 में हुए समझौते के आधार पर फेसबुक के खिलाफ जांच कर रही है। इस समझौते के तहत फेसबुक ने वादा किया था कि वो किसी का भी प्राइवेट डेटा हासिल करने या उसे किसी दूसरे के पास साझा करने से पहले उस व्यक्ति की रजामंदी जरूर लेगा। अगर FTC ने जांच में पाया कि फेसबुक ने समझौते का उल्लंघन किया है तो उस पर $300 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। कई देश इस बात से सहमत हैं कि फेसबुक एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पास सोशल मीडिया की असीम ताकत है। सोशल मीडिया में फेसबुक के सामने कोई दूसरी कंपनी खड़ी नजर नहीं आती। फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का अधिग्रहण कर लिया है और अगर कोई दूसरी कंपनी सोशल मीडिया की दुनिया में उठने की कोशिश करती है तो फेसबुक उसे भी खरीद लेता है। फेसबुक दुनिया भर में लगातार अपने पांव पसार रहा है, लेकिन जिन देशों में उससे जुड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं, वहां फेसबुक के सीमित होने का खतरा है। अगर अमेरिका की ही बात की जाए तो यहां पिछले 3 तिमाहियों से फेसबुक यूजर्स की संख्या नहीं बढ़ी है। वहीं यूरोप में तो इसकी संख्या में गिरावट आई है। सवाल उठता है कि क्या ये आंकड़ा और खराब हो सकता है। दुनिया भर में बहुत से लोगों ने बताया है कि वो अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये लोग अपने दोस्तों और साथियों को भी ऐसा करने के लिए कह रहे हैं।